ये टप्पू और गोली को कल सबने डांटा, इस वजह से वो सोसाइटी छोड़कर चले तो नहीं गए? टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, रोशन और पूरी टप्पू से ना भिड़े भाई का स्कूटर ढूंढने गए हैं। पापा हम सब ने कसम खाई है, जब तक भिड़े अंकल का स्कूटर नहीं मिलेगा तब तक हम लोग वापस नहीं आएंगे। मैं कसम खाता हूँ, जब तक मैं भिड़े का स्कूटर ढूंढ कर नहीं लाऊंगा मैं घर वापस नहीं आऊंगा। स्कूटर का नंबर मालूम है? वही पूछने के लिए मैं तेरे पास आ रहा था। अच्छा वो इधर ही मिल गया, क्या नंबर है स्कूटर का? MNQ 5865। MNQ 5865। भिड़े का स्कूटर ढूंढने की शुरुआत कहाँ से करूं? हाँ, रिक्शा से। रिक्शा, चलो सीधा ले लो। अब्दुल, और कितने है तेरा भंगार वाला? एरिया तो यही था। वो यही एरिया मिला था तेरे को? नहीं, यहाँ पर भंगार वाला मिला था। वो ऐसा भंगार वाला ढूंढना था जिसकी बहुत बड़ी दुकान होती और हम आराम से उसको ढूंढ लेते। अब ढूंढना पड़ेगा। सोडी अंकल, दुनिया में ऐसा कोई मिशन नहीं है जो पूरा ना हो सके, और मंजिल उसी को मिलती है जो रास्ते की फिक्र नहीं करते। वाह टप्पू पुत्र, क्या लाइने बोली है यार, मजा आ गया। मतलब क्या? मजाक कर रहा हूँ। क्या बढ़िया बोला यार, शाबाश, वेरी गुड। और तालियां बजाओ भाई। छोड़ी अंकल, मिशन तो अब शुरू होगा। हम लोग एक काम करते, आधे लोग इस तरफ जाते और आधे लोग उस तरफ, बराबर? ओए एकदम बराबर। पिंकू, बोली, तुम लोग अब्दुल के साथ जाओ और बाकी बच्चे मेरे साथ चलो। चलो चलो चलो। भाई साहब, एक तरफ नहीं जाओ, तुम उधर जाओ, हम उधर जाएंगे। चलो पिंकू, चलो चलो चलो। भाई साहब, ये आपने इसको कहीं देखा है? नहीं। नहीं, ध्यान से देखो, एकदम मतलब देखो, एकदम एंटीक है। नहीं, नहीं। अच्छा दे दे। अरे भाई साहब, आप भंगार वाले? हाँ। आप कल गोकुलधाम सोसाइटी में आए थे भंगार खरीदने? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? अरे वो क्या हुआ कि अरे साहब भूल जाओ स्कूटर को। क्यों? अरे हम भंगार वाले स्कूटर को थोड़ा संभाल के रखते हैं। अभी तक तो स्कूटर को खोल कर एक एक स्पेयर पार्ट अलग करके बेच भी दिया होगा। क्या ऐसा करेगा तो दो पैसा मिलता है। नहीं नहीं, हे भगवान, भिड़े के स्कूटर के साथ ऐसा मत होने देना, और ना मैं और टप्पू तो कभी घर वापस जा ही नहीं पाएंगे। हाँ बोले हाथी भाई। नहीं नहीं, हाथी भाई के फोन से मैं दया बोल रही हूँ। तो बोल दया। मिला स्कूटर, मिला। तो क्या मुझे जादूगर जेठालाल समझता कि मैं ऐसा छू मंत्र बोलूं और चुटकी बजाऊं कि भिड़े का स्कूटर प्रकट हो जाए? तो मैं आऊं? किधर? आपके पास। क्यों? स्कूटर ढूंढने। अब रहने होशियारी, मैं ढूंढ रहा हूँ ना। हाँ हाँ, आप तो ढूंढ ही रहे हैं, मुझे लगा कि एक से भले दो। कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही दो के बराबर हूँ। नहीं नहीं, मैं वजन की बात नहीं कर रही हूँ। दया, सॉरी। और सुन, अभी बार बार फोन मत करना, स्कूटर मिलते ही मैं सामने से फोन करूंगा। अरे मैं फोन क्यों करूंगा, स्कूटर मिलते ही सीधा लेके आ जाऊंगा ना सोसाइटी में। ठीक है।
चलो भाई। नहीं लग रहा है भाई, कितनी बार ट्राई किया, सोडी का फोन बंद ही आ रहा है। कोई बात नहीं भिड़े मास्टर, तुम्हारा स्कूटर मिल जाएगा। ये अब्दुल का बंगार वाला, इतना ढूंढ रहे मिल ही नहीं रहा, चलो और कहीं ढूंढते हैं। क्यों हो गया गोगी पुत्र? ओए पापा, अब जीप के बदले एक छोटी सी बस ले लो ना। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, और अभी मंगा लेते हैं छोटी बस। पर पुत्र क्यों? क्योंकि जब तक हम भीड़ अंकल का स्कूटर नहीं ढूंढेंगे हम घर वापस नहीं जाएंगे, तो छोटी सी बस में घर बना लेंगे और उसमें ही रहेंगे और हम भीड़ अंकल का स्कूटर ढूंढेंगे। पता नहीं वो बंगार वाले अंकल कहाँ होंगे। ए भाई, ये स्कूटर खरीदोगे? बस चोरी का नहीं है ना? अरे चोरी वोरी की बात छोड़ो ना यार, अपने को बेचने का है, तुमको खरीदने का है कि नहीं वो बताओ, बात खत्म। देखो भाई ऐसा है, चोरी का माल मैं लेता ही नहीं हूँ। ठीक है, तुम खरीद नहीं सकती लेकिन बेच तो सकते हो ना। मतलब? अरे मतलब ये है कि ये जो साइड कार है और ये जो नंबर प्लेट है ये हमें बेच दो, हम खरीद लेते बस। भाई पैसा भी देंगे। चलो ठीक है, नंबर प्लेट और साइड कार आपकी। अरे नहीं नहीं दया भाभी, उस ब्रेकिंग न्यूज से कुछ नहीं होने वाला। अरे होगा होगा, रिटायर्ड भिड़े भाई का फोटो टीवी में दिखाई भी ना तो हमें स्कूटर मिलने में आसानी होगी। सही बात है, सही बात है। अरे आरती भाई क्या कर रहे हैं? सॉरी सॉरी, दैट्स अ गुड आईडिया। बहुत अच्छा, करो फोन करो ना। हां फोन कर। अशोक इंटरव्यू के लिए कैमरा रेडी रखना। हेलो रिटाडी, मैं दया बोल रही हूँ। ओ दया भाभी, हाँ बोलिए बोलिए। रिटा एक प्रॉब्लम हो गया है। हाँ हाँ अरे रिटाडी तू हंस क्यों रही है? अरे दया भाभी मजाक कर रही है क्या? अब भिड़े भाई का पुराना स्कूटर बंगार ही तो था। रीटा भिड़े भाई के स्कूटर को बंगार मत बोल। रीटा डी देख भिड़े भाई बिचारे बहुत टेंशन में है, उनका स्कूटर मिल जाए ऐसी खबर बता ना प्लीज। सॉरी दया भाभी पर इस तरह की न्यूज़ मैं टीवी पर नहीं दिखा सकती, ऐसी न्यूज़ टीवी पर दिखाई तो मेरी नौकरी तो जाएगी। फिलहाल तो मैं बोमन ईरानी और शर्मन जोशी की आने वाली फिल्म फरारी की सवारी में जो स्कूटर यूज हुआ है ना वो चोरी हो गया है। हाँ उसी की रिपोर्टिंग करने आई हूँ। दया भाभी फिलहाल तो मैं जल्दी में हूँ, बाद में बात करती हूँ। बाय बाय।
नमस्कार दोस्तों, कल तक न्यूज से मैं रीटा रिपोर्टर हाजिर हूँ आप सबके सामने ब्रेकिंग न्यूज के साथ। और आज की ब्रेकिंग न्यूज है एक स्कूटर के चोरी होने की। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, एक स्कूटर के चोरी होने की। लेकिन ये स्कूटर एक आम स्कूटर नहीं है, ये स्कूटर एक स्टार है। इस स्कूटर ने इस फिल्म में काम किया है। आने वाले 15 जून को रिलीज होने वाली फिल्म फरारी की सवारी में इस स्कूटर ने एक अहम भूमिका निभाई है। और ये स्कूटर है शर्मन जोशी और बोमन ईरानी का। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं शर्मन जोशी और बोमन ईरानी से। गलती तेरी है शर्मन जोशी। अरे कैसे मेरी गलती है? अरे तू जरा फोन करके फाइंड आउट कर। काम क्या है? एक मिनट सुनिए, स्कूटर रोड पे पार्क किया, इसलिए चोरी होगी। स्कूटर रोड पे नहीं तो घर में पार्क करता। एक मिनट प्लीज, तूने ताला नहीं लगाया होगा स्कूटर। अरे चोर को चाबी की जरूरत होती है क्या? आप मुझे गुस्सा कम करते, स्कूटर पे ध्यान देते तो स्कूटर चोरी नहीं होता। बाद में झगड़ा मत। सॉरी, हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू सर? आप स्कूटर चोरी के मामले में क्या कहना चाहेंगे? जी वो नहीं, तू बोल ना। अरे स्कूटर रोड पे खड़ी थी, चोरी हो गई। क्या जमाना आ गया, आजकल स्कूटर भी रोड पे अकेले खड़े नहीं रह सकती है, गायब हो गई। इनको गायब होना चाहिए, वो तो गायब होते नहीं है। स्कूटर का कलर ब्लू एंड व्हाइट था। No, no, wrong. शर्मन, स्कूटर का कलर व्हाइट और थोड़ा सा ब्लू है। अरे मोर ब्लू लेस ऑफ व्हाइट, तो ब्लू एंड व्हाइट हो गया ना। पूरी महाभारत तू ही सुनाएगा कि एक दो श्लोक मुझे भी बोलने देगा? बोलिए व्यास मुनि जी, बोलिए। देखिए, 15 जून को हमारी फिल्म फरारी की सवारी की प्रीमियर है और उसमें हम स्कूटर पे बैठ के जाएंगे, शर्मन और मैं। स्कूटर इस फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रहा है। इस फिल्म में सबसे अच्छा काम स्कूटर ने किया। तो जैसे ये कह रहे थे कि हम फरारी की सवारी के प्रीमियर में स्कूटर पे जाने वाले थे। बहुत बुरी बात है कि स्कूटर चोरी हो गई। क्या क्या सपने देखे थे हमने, जाएंगे सपने देखने में ही है स्कूटर चोरी हो गई, फ्रैंकली। अरे चोर को अगर मैं मिला ना, आई प्रॉमिस मैं उसको कपड़ा बना के रखूंगा। दिस इज नॉट द टाइम। मैं ये कहना चाहता हूं, कोई भी हमारी स्कूटर ढूंढ के लाके देगा, अगर कोई भी लाके देगा, हम उनको फरारी की सवारी के प्रीमियर के लिए लेके जाएंगे। मैं रहूं फरारी की सवारी के प्रीमियर में, चोर को प्रीमियर की टिकट देगा? ए, चोर को नहीं यार, ढूंढने वाले को बोल रहा हूँ, चोर को थोड़ी ना बोल रहा हूँ। और जिसने भी हमारा स्कूटर चुराया, उसने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। मैं शर्मन जोशी और बोमन ईरानी का साइलेंसर जैसा गरम मिजाज। जिस किसी ने भी ये स्कूटर चुराया है और जहाँ पर भी इस वक्त वो है, वहीं पर इसी वक्त स्कूटर को छोड़कर वहाँ का एड्रेस नीचे दिए गए नंबर पर इन्फॉर्म करें। ये स्कूटर चोरी की न्यूज तो टीवी पर आ रही है। हाँ यार, हा? ये स्कूटर तो वही है जो बोमन ईरानी शर्मन जोशी ने फिल्म में वापरा था। हाँ, हाँ। अब क्या करें? एक काम करते हैं, हाँ। इसे अड्डे पर छुपा देते हैं। अपने अड्डे पर? हाँ। चल चल जल्दी, चल चल जल्दी, चल। इधर भी नहीं है और किधर ढूंढू, एक घंटे से घूम रहा हूं। अरे भाई, अभी तक रिक्शा का कितना हो गया? 490 रुपए। 490? अरे इतनी तो भीड़े का स्कूटर की कीमत भी नहीं है। छोड़ भाई छोड़, ये रखो 500 रुपये। थैंक यू। हाँ ढूंढू भिड़े के स्कूटर को। अरे बादाम, क्या कर रहा है यार, बीच में पड़ेगा। सॉरी सॉरी। अरे स्कूटर रो।
कौन है ये सनी देओल का फैन? मुझे लगता है उसने टीवी पर न्यूज देख लिया है। ये घायल घातक बनकर गदर मचाए, उससे पहले ऐसे भाग चलते। हाँ, चल, 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 कट लेते हैं। बोला तो रुका क्यों नहीं? ये स्कूटर किसका है? हमारा है। हाँ, हाँ, हमारा है। फिर जोश! जोश! हाड़े मंजी सटकी भी आई। झूठ बोलना बंद करो, ये स्कूटर मेरे दोस्त भिड़े का है। कौन भिड़े? गोरेगांव ईस्ट पाउडर गली गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी मेरा दोस्त, वही साइड कार वही नंबर प्लेट है। चुपचाप ये स्कूटर मेरे हवाले करते हो या? पुलिस को फोन करो। नहीं 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 भाई साहब, पुलिस को फोन मत कीजिए। ये स्कूटर आपका है, आप ले लीजिए, हम पैदल चले जाएंगे। उतर रे भाई मेरे खाली, आप ले लीजिए। चल चल भाई। थैंक यू भगवान, थैंक यू। भिड़े का स्कूटर मिल गया। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। भिड़े खुश हो जाएगा। चालू भी हो गया। वाह वाह वाह। भिड़े आ रहा हूं मैं। यार पिलिया, अपना 5-6 हजार का नुकसान हो गया यार। अरे 5-6 हजार का छोड़ के यार, पुलिस को बुला लिया होता तो लेने के देने पड़ जाते। अरे पिलिया, वो साइड कार और नंबर प्लेट वो भिड़े भिड़े का होगा, लेकिन स्कूटर थोड़ी उसका हो सकता है। हाँ यार, बात तो सही कह रहा है तू। इस मोटू ने अपना काफी नुकसान कर दिया, इसके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। एक मिनट, अब देख मैं उसका कैसे बैंड बजाता हूँ। हेलो, नमस्कार नमस्कार। मैंने अभी अभी टीवी पर न्यूज देखी, वो स्कूटर चोरी हो गया ना। हाँ, वही स्कूटर, एक मोटा सा आदमी और पतली मूंछ वाला लेके गया अभी अभी। वो पाउडर गली गोकुलधाम सोसाइटी। हाँ गोकुलधाम, गोकुलधाम। हाँ हाँ, पकड़ लीजिए आप। छोड़ना मत बिल्कुल। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। नमस्कार। अब देख इस मोटे का क्या हाल होता है। कौन हमें जिसकी खोज थी उसका पता चल गया। कहाँ है वो? गोकुलधाम सोसाइटी में। आज तो उसकी खैर नहीं। गोकुलधाम वालों, हम आ रहे हैं। यदि कोई सेलिब्रिटी अतिथि बन के आए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, लेकिन अगर ये पता चले कि सेलिब्रिटी तो आपका बैंड बजाने के लिए आ रहे हैं तो क्या होगा? भाई यही हो रहा है गोकुलधाम सोसाइटी में। शर्मन जोशी और बमन ईरानी मेहमान तो जरूर है, लेकिन तूफान लेके आ रहे हैं। जेठालाल जो खुशी के मारे फूल के गुप्पा हुए जा रहे हैं, उनकी खुशी के गुब्बारे में पिन चुभा देंगे शर्मन जोशी और बमन ईरानी। भाई हालात यहाँ पे स्कूटर के टायर से भी ज्यादा तेज घूम रहे हैं। देखिए तो यहाँ सारे लोग इंतजार कर रहे हैं भिड़े के स्कूटर का, और भिड़े का स्कूटर समझ के बमन और शर्मन का स्कूटर लेके आ रहे हैं जेठालाल। और गुस्से में शर्मन और बमन आ रहे हैं गोकुलधाम में, यानी हंगामों की फौज तैयार है। आपके घरों में होंगे ठाके और गोकुलधाम में हंगामे। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।